Chant Om three times and Gayatri Mantra to seek the blessings of divine. Om Bhurbhuvah Svah Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Om Shanti 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 Om. Rub your hands, cup your eyes, your face, and gently open your eyes with a smile on your face. Let us start today's session. चलिए हम अभी शीतली से start करेंगे क्योंकि इंडिया में बहुत गर्मी है और जो लोग ऑस्ट्रेलिया से ज्वाइन कर रहे हैं आप लोग अनुलोम विलोम करेंगे. ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग शीतली शुड बी डन ओनली इन समर्स. तो इससे हमारी बॉडी का जो हाइड्रेशन लेवल है वो मेंटेन होता है. अगर हम हाइड्रेटेड रहते हैं तो हमारी स्किन भी हैप्पी रहती है. और अनुलोम विलोम इज ऑल्सो गुड फॉर स्किन. हम 10 राउंड्स करेंगे. अनुलोम विलोम को हमें कैसे करना है, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट से इनहेल करेंगे, लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट से एक्सहेल करेंगे, राइट को इनहेल करेंगे, लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे. आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज म्यूट योर सेल्फ. फिर उसके बाद आप लोग अनुलोम विलोम स्टार्ट करिए. जो लोग शीतली कर रहे हैं वो कैसे करना है, आपको टंग को रोल करना है और इनहेल करना है अपने माउथ से. पूरा कूलिंग इफेक्ट को फील करना है. इट इज टचिंग योर थ्रॉट और धीरे धीरे अंदर जा रही है. रिलैक्स करना है, होल्ड करना है. अगर हाई बीपी का प्रॉब्लम है तो ब्रेथ को होल्ड नहीं करेंगे और नाक से एक्सहेल कर देना है. हाई बीपी एंड हार्ट पेशेंट विल नॉट होल्ड द ब्रेथ. इसको हम 10 राउंड्स के लिए करेंगे. सो डेट योर माइंड इज रिलैक्स, यू आर रिलैक्स, यू आर स्ट्रेस फ्री एंड देन वी विल स्टार्ट आवर फेशियल एक्सरसाइज. Hold your breath and exhale through your nostril. Feel the cooling effect. Keep doing. कैसा करना है इसको? आप लोग सब लोग वीडियो ऑन कर लीजिए. आपने कैसे करना है, अगर आप इंडिया से अभी ज्वाइन कर रहे हैं तो आप शीतली कर सकते हैं. इफ यू आर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया तो आप अनुलोम विलोम करेगा. ओके डूइंग फॉर 10 राउंड्स पूरा फीलिंग के साथ. जस्ट फील द कूलनेस इन योर बॉडी. Relax yourself with every breath. Last two more rounds. अनुलोम विलोम कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड से एक्सहेल करके रिलैक्स करेंगे. लेट्स स्टार्ट.
देखिए आपने क्या करना है, अपने स्किन को टैप करना है, उसको रेडी करना है फेस योगा के लिए. सो जस्ट स्टार्ट टैपिंग. आप लोग वीडियोस ऑन करेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि आप सही कर रहे हो, क्या कर रहे हो. एंड आई वांट टू सी ऑल द ब्यूटीफुल फीमेल्स. चलिए स्टार्ट टैपिंग. अपने आप को जगाओ, जागो जागो. आज हम अपने आप को पैम्पर करने वाले हैं. कीप स्माइलिंग. सारा ध्यान आपका अभी एट प्रेजेंट. Tap, 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 tap. Tap on your neck also. Please mute yourself so that everybody can listen to my instructions clearly. Tap, 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 tap on your neck also. टैपिंग करने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है. सो आप इसको दिन में 3 times कर सकते हो. आफ्टर योर बाथ, बिफोर स्लीपिंग एंड इन द आफ्टरनून, जब भी आपको टाइम मिले. चलिए अभी हमें थोड़ा थोड़ा सा पिंच करना है अपने स्किन को ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए. सो जस्ट पिंच ऑल अराउंड. नॉस्ट्रिल में भी करेंगे क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स आ जाते हैं. सो जस्ट do it like this. पूरे माथे पर भी, all around, धीरे धीरे से pinch. Neck में भी. Keep smiling. And relax. अभी हम कपोल शक्ति विकासक क्रिया करेंगे. इसमें हमें क्या करना है, अगर हाई बीपी एंड ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो आप ये, सॉरी हाई बीपी एंड हार्ट पेशेंट है तो आप इसको मत करिए, बाकी लोग करेंगे. बाकी आप लोग के लिए बहुत सारी चीजें हैं तो डोंट गेट वरीड. यू कैन जस्ट अपने ब्रेथ को होल्ड करके रखिए और मतलब हल्का सा फुलाइए और रिलीज कर दीजिए. अदर्स कैन डू. इस तरह से करना है, पाउट बनाना है, मुंह से इनहेल करना है, गालों को फुलाना है, नीचे देखना है और अपने लिटिल फिगर को इस तरह चेस्ट पे रखना है और ब्रेथ को होल्ड करके रखना है. जब आपको लगे और गालों को तेज फुलाते रहना है, पूरे आपके चीक्स में पेन आएगा. और जब आपको लगे कि आप होल्ड नहीं कर सकते, नाक को ऊपर, गर्दन को ऊपर करेंगे और नाक से सांस छोड़ेंगे. इस क्रिया को हम 3 बारी करेंगे. इसको कपोल शक्ति विकासक कहते हैं. ये हमारे चीक्स की ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है. लेट्स स्टार्ट. गालों को फुलाइए. रेणुका जी ऐसे करके अपने नॉस्ट्रल को बंद कर लीजिए. और गर्दन को ऊपर करके नाक से श्वास बाहर. अगेन करेंगे सेकेंड राउंड. गालों को मैक्सिमम फुलाना है. आपको पूरा यहाँ पे दर्द आना चाहिए. रिलैक्स. वी विल डू 3rd time. रिलैक्स. धीरे से हल्का सा प्रेशर देंगे गालों में एंड रिलैक्स. अभी हमने क्या करना है, बलून, ऐसे बलून एक्सरसाइजेस करनी है. गालों को फुलाना है, 2 fingers को यहाँ पे रखना है, प्रेस करना है और ऊपर सीलिंग पे देखना है. टिल द टाइम आई टेल यू. चलिए स्टार्ट करेंगे. Relax, come back. Second round, again start करेंगे. Relax, come back. Very good. Last round करेंगे again.
and relax. Come back. अभी क्या करना है? स्माइल करना है. गालों में दर्द हो गया है. स्माइल. खूब सारा यहाँ पे चीक्स में है. स्माइल. पाउट. स्माइल. पाउट. स्माइल. यहाँ पे पेन आना चाहिए अच्छी तरीके से. मैक्सिमम स्माइल. सेल्फी वाला. पाउट. स्माइल. पाउट. स्माइल. Smile, pout, and relax. अभी हम फिर से बलून एक्सरसाइज नेक्स्ट करेंगे. हमें राइट साइड से अपने हवा को इधर उधर लेकर जाना. लाइक एंड रिलैक्स. अभी लेफ्ट से राइट साइड. Relax. Next again, फिर से स्माइल करेंगे. लिप्स को प्रेस करेंगे और ऊपर देखेंगे. होल्ड करेंगे. कैसे? ऊपर देखेंगे और रुकेंगे वहीं पर. स्माइल. कम बैक. रिलैक्स. इससे हमारे जॉ लाइन शेप होते हैं. फिर से लिप्स को प्रेस करेंगे अंदर. स्माइल एंड लुक अप. कम बैक वन लास्ट टाइम. अगेन स्माइल. लिप्स इन. And relax. फिर से अपने गालों को हल्का सा पैम्पर करेंगे. रिलैक्स करेंगे. आई होप आप लोग को कुछ बर्निंग फील हो रहा है. यहाँ पे कुछ कुछ तो हो रहा है. इससे फेशियल फैट भी हटता है. नेक्स्ट हम करेंगे टंग को. अभी हमने बहुत सारा गालों को फुलाया है. हम फिश पोज करेंगे. गालों को अंदर की तरफ और होल्ड करेंगे. चलिए स्टार्ट करेंगे. Relax. One more time. Relax. Last time again. Relax. अभी गालों में दर्द होना शुरू हो गया है तो हम टंग से एक्सरसाइज करेंगे. अभी जो यहाँ पे लाइंस आ जाता है ना उसके लिए व्हाट यू हैव टू डू. टंग की हेल्प से आपको पूरा सर्कल बनाना है. क्लॉकवाइज 5 टाइम्स करेंगे. फिर एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट करेंगे. लिप्स बंद रहेंगे. एंटी क्लॉकवाइज. रिलैक्स. अभी हमें ऊपर नीचे टंग को लेकर जाना है. जैसे कि जितना आप ऊपर ले जा सकते हो और नीचे. रिलैक्स. अभी लेफ्ट वाले में 5 टाइम्स. रिलैक्स. जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ.
अभी पाउट करके 5 times ऊपर देखेंगे, अगेन फॉर दिस थिंग, अभी पाउट करेंगे और ऊपर देखेंगे. कम बैक सेकेंड टाइम, अगेन पाउट. कम बैक थर्ड टाइम, पाउट एंड लुक अप. पूरा अपने गले पे स्ट्रेच को फील करिए. कम बैक फोर टाइम, पाउट एंड लुक अप. रिलैक्स वन लास्ट टाइम, पाउट एंड लुक अप. And relax, relax, relax. आप लोग प्लीज जल्दी से आइस क्यूब्स लेकर आ जाइए. ऑस्ट्रेलिया में जो है आप थोड़ा सा यूज करेगा एंड देन यू कैन जस्ट रिलैक्स. जल्दी से ले आइए, आई एम जस्ट गिविंग यू टाइम. वी विल डू आइसिंग, उसको हमारा पोज ओपन करने में हेल्प करता है. देन वी विल डू विद टोमेटो, कोई भी नॉर्मल आइस क्यूब्स विद आवर हैंडकरचीफ. सब लोग आ चुके हैं. आप किसी भी कॉटन में लेकर, अगर आपने फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो इस तरह से किसी भी हैंकी में लेकर कर सकते हैं. एक जगह पे 5 seconds से ज्यादा आइस को यूज नहीं करना है. वी विल रब ऑल अराउंड और 3 minutes से ज्यादा आइसिंग नहीं करनी चाहिए. Keep doing. इंदिरा मैम, आपको मेरी आवाज आ रही है अभी? कामनी मैम हेलो. चारों तरफ पूरा आइस पे, ऊपर माथे पे, सब जगह आइसिंग करेंगे. इंदिरा मैम मेरी आवाज आ रही है? कैन यू हियर मी? कैन यू लिसन नाउ? आवाज आ रही है आपकी? यस इट इज गुड. आप देखोगे कि इससे हमारा टाइटनिंग होता है स्किन का और हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं. इसके ऊपर अगर आप कोई भी फेस पैक लगाएंगे, जैसे कि नीम वगैरह का या नीम की आप क्यूब्स बनाकर लगाएंगे, तो आपको एक्ने का प्रॉब्लम भी नहीं होगा. पूरा नोज पे अच्छे तरीके से यूज एटलीस्ट 2 क्यूब्स. डायरेक्ट मत लगाइएगा, हो सकता है कि थोड़ा सा फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो पूरा आइस के नीचे. आप नीम को, नीम लीव्स को और रोज पेटल को एक साथ ग्राइंड करके उबाल सकते हैं और उसका पानी को हाफ होने के बाद उसकी क्यूब्स बना सकते हैं. यू कैन टेक वन मोर क्यूब. और आप अगर टैनिंग को रिमूव करना चाहते हैं तो आप कॉफी का क्यूब भी बना सकते हैं. सो यू कैन यूज कॉफी मिल्क में अच्छी तरीके से, जैसे हम कोल्ड कॉफी बनाते हैं उस तरह से शेक करके बॉइल्ड मिल्क में आप उसको भी फ्रीज कर सकते हो. सो राइट नाउ आई एम यूजिंग कॉफी क्यूब्स. पूरे नेक पे लगाइए. रब एक जगह पे 5 seconds से ऊपर रब मत करिएगा. चारू मैम आप दिख नहीं रहे हो, आपका पंखा दिख रहा है. मुझे इसके भी स्ट्रोक में कुछ वो नहीं है कि ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर. नहीं नहीं, बस आपको क्लॉकवाइज ही करना है, मतलब ऐसे सर्कुलर मोशन में ही लगाना है. सॉरी आई मिस्ड टू टेल यू. यस आई कैन सी चारू मैम, सुनीता मैम, अनीता मैम,
रजनी आंटी, भूमिका जी, अनीता जी, अंजू आंटी, सब लोग वीडियो ऑन करिए ना, आई कैन सी ऑल। यस वेलकम चित्रा आंटी। पूरा नेक पे भी अच्छी तरीके से एंड रिलैक्स। अभी आप लोग के पास जो टमाटर है उसको बीच में से हाफ कट कर लीजिए। प्लीज लैपटॉप मोबाइल को बचा कर रखिएगा। अभी यू कैन यूज सम टॉवल। तो अभी हमारे पोर्स ओपन हो चुके हैं, सो अभी ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट देगा। टमाटो को बीच में से टू पार्ट्स में करना है इस तरह से। उसके ऊपर जो आप चीनी पीस कर लाए हो ना उसको लगा दो। अगर चीनी नहीं पीस पाए हैं तो उसको कॉफी पाउडर भी लगा सकते हैं अच्छे तरीके से। और उसके ऊपर हल्दी ऐसे, यू कैन सी दोनों क्यूब्स पे, दोनों साइड पे ऐसे करेंगे सो डेट वी कैन यूज ऑन बोथ बोथ चीक्स टुगेदर। एंड टर्मरिक ऑल्सो? हाँ जी मैम, शुगर के ऊपर टर्मरिक ऐसे। अच्छा। इसके बाद एक बार आप लोगों को प्लीज रिजॉइन करना पड़ेगा बिकॉज अभी हमारा ऑयल मसाज भी रहता है। सो इट इज ऑफ 10-15 मिनट्स। इसको हम रब करेंगे, स्टार्ट रबिंग। हल्दी थोड़ी सी डालनी है, शुगर ज्यादा डालना। जो टमेटो है और पपाया है वो सारे स्किन टाइप में काम करता है, या वो ड्राई हो। टमाटो में कुछ डालना है क्या? हाँ हाँ, चीनी डालो। अगर चीनी नहीं है पिसी हुई तो कॉफी पाउडर डाल सकते हो और उसके ऊपर टर्मरिक। अच्छा, इसके बीच में सेंटर में? हाँ ऊपर, हाँ उसी से ही रब करोगे। अच्छा ठीक है। रेणुका मैम कहिए, यू विल रियली लाइक बिफोर आफ्टर, बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा। आप लोगों को पिक्चर ले लेना चाहिए। कॉफी पाउडर, कॉफी कॉफी पाउडर एंड टर्मरिक, राइट? अगर चीनी नहीं पीसी है तो इसको भी सर्कुलर मोशन में ड्रॉप करना है पूरे नेक पे। अगर राइट टमेटो हो तो अच्छा है। पूरे फोरहेड पे कीप रबिंग। अगर चीनी हट गई है तो उसमें और थोड़ी सी आप लोग डाल सकते हो। हम 2-3 मिनट्स तक ऐसे लब करेंगे। यास्मिन जी आप कर रहे हो? पूजा दिस विल बी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब सर्कुलर मोशन में करना है मैम, कैसे भी कर सकते हैं। अच्छा ओके। पूरे आपने चिन पे पूरे एरिया को कवर करेगा। एंड रिलैक्स। अभी इसको हम अभी अपना हैंड वॉश कर सकते हो आप, और इसको इसी तरह रहने देंगे एटलीस्ट फॉर 4 मिनट्स। सो आई विल प्ले सम मेडिटेटिव म्यूजिक, आईज क्लोज करके जस्ट फील करना है, ठीक है? अपने हाथ को धो के आ सकते हो इफ यू वांट टू। इसको इसी तरह रहने दीजिए फॉर 4 मिनट्स। आई एम प्लेइंग अ ब्यूटीफुल म्यूजिक। हम लोग सब लोग आईज क्लोज करके थोड़ी सी अपने ब्रेथ पे ध्यान लगाएंगे। आई थिंक हम करते ही नहीं है ऐसा। लेट अस पैम्पर सेल्फ टुडे। वेरी नाइस म्यूजिक, सूदिंग म्यूजिक। इसको ऐसे ही रहने दीजिए। यू कैन यूज अ टॉल। ठीक
अपने हाथों को इस तरह या फिर ये लिंग मुद्रा में भी आप अपना बैठ सकते हो, लेफ्ट हैंड नीचे राइट हैंड ऊपर, सॉरी राइट हैंड नीचे लेफ्ट हैंड ऊपर लाइक दिस, और अपने हाथ को कहीं पर भी रख सकते हो नेवल के ऊपर, एंड कीप योर आईज क्लोज, जस्ट एंजॉय द म्यूजिक एंड लेट द पार्क ऑन योर फेस. Back straight, neck straight, eyes closed. Just watch your breath. Let it be here for 4 minutes. Yes, Deepti ma'am, tomato हम कर चुके हैं. आप tomato को cut करके हाफ करके उस पर हल्दी और शुगर से रब कर सकते हैं एंड देन जस्ट सिट ऑन विद दैट. Smile on your face. Actually, let it be. Chirananda Rupa Chivo. Namedre. Name Lovamo Madone Vame Deva Matsakaba Nakamona Chartu Nakamona Moksha Chirana Nuna. बैक को लगे रहने दीजिए. आपका ध्यान आपकी ब्रेथ पर. Chirananda Rupa Shiva. Namrotyarna Shanka Name Jati Veda Titane. Relax. हमें अभी फेस वॉश करना है, उसके बाद हम ऑयल मसाज करेंगे. आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज join me again on the same link, because अभी 40 minutes हो गया है, so don't you know miss the session. अभी हम oil massage सीखेंगे, so please rejoin again with the same link. So we are 19 of us, so please all 19 do join me, क्योंकि अभी main चीज़ बची है. ठीक है, एक बार face wash करेंगे, rejoin करेंगे. Thank you.